ओके सो लेट्स कंटिन्यू अगेन. सो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था उसी के बारे में, उसी स्ट्रिंग, उसी वेरिएबल एंड उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने का रीजन क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ. अभी तक हम लोगों ने जो देखा था इसके अंदर नंबर्स को प्रिंट कराया, ऐड कराया, कोई इशू नहीं आया, सब कुछ आराम से हमारा प्रिंट हो गया, क्योंकि ब्रैकेट्स भी डाल दिए थे तो कोई इशू नहीं आया. ओके अभी मैं अगर इसी चीज़ को जो मैंने 4, 5, 6 लिया है इसको मैं अगर रख देता हूँ एक इस वेरिएबल के अंदर, यानी एज अ स्ट्रिंग रखता हूँ, एंड इसको भी लेट्स से स्ट्रिंग के अंदर रख देता हूँ मैं. यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं. और चलो सबसे पहले ये हेलो निकाल देते हैं, सिर्फ इतना ही प्रिंट करते हैं और सिर्फ प्लस का सिंबल पास करते हैं एंड ये निकाल देते हैं. अभी आप बताइए, ये तो स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, क्या हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं? कभी आपने ऐड किया है स्ट्रिंग में, मतलब अगर PHP को छोड़ के किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने किया हो तो मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका. चलिए इसे सेव करते हैं और एक बार इसे रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है. ओके मैं इसे रन करता हूँ और देखिए 912 आंसर आया है. मतलब ये है कि ये जो हमारा वैल्यू है ये भले ही डबल कोट्स के अंदर रखा गया है स्ट्रिंग में, लेकिन जब ये ऐड करने के लिए गया तो इसने क्या किया, इसे इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर लिया. लेट्स से इम्प्लिसिट कन्वर्जन आपको शायद पता होगा, $A and $C दो अलग अलग स्ट्रिंग वेरिएबल हैं, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो दो के दोनों हमारे क्या है, नंबर्स में, इंटीजर में है और एक फ्लोटिंग पॉइंट है. इसने क्या किया, फिर उसे इंटीजर में उसे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके ऐड करके प्रिंट कर दिया. क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा लाइक स्ट्रिंग नहीं है, वैल्यूज उसके जो है वो जो है हमारे नंबर्स में है. इस तरह से भी ऑपरेशन किया जा सकता है, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है. जबकि ये किसी भी आप स्टैटिकली टाइप के अंदर करोगे तो एक तरह का बर्डन होता है कुछ कन्वर्जन और वैल्यू के बारे में, ये सारी चीज़ें. इसमें ये इतना मतलब बेनिफिट है, इट्स अ काइंड ऑफ बेनिफिट्स. ओके तो अभी आपने तो मतलब इस तरह से किया तो कोई इशू नहीं आया. लेट्स से एक और वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से $B इक्वल टू समथिंग, लेट्स से 56 सेमीकोलन एंड $D इक्वल टू समथिंग, लेट्स से 12 एंड सेमीकोलन. अब जो हम प्रिंट करने वाले हैं लेट्स से इको एंड अब मैं यहाँ पर लेता हूँ एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में हम लोग पास कर लेते हैं समथिंग लाइक लेट्स से JTP. ओके एंड अब यहाँ पे हम लोग डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और प्रिंट करने वाले हम $B एंड प्लस $D. ओके अगर मैं इस तरह से प्रिंट करने वाला तो मुझे क्या आंसर आने वाला है, मतलब यहाँ पे $B है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को मैं कॉन्कैटनेट करूँगा, फिर उसके बाद मैं $D लगा रहा हूँ, मतलब एक प्लस का सिंबल, मतलब इस पूरे स्ट्रिंग को मैं जोड़ना चाहता हूँ इस $D के साथ. चलो इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आता है. लेट्स पास जस्ट BR टैग ओवर हियर. ओके सेव एंटर. ओके पहली चीज़ अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना BR काम कर रहा है ना JTP मेरा काम कर रहा है. $B का वैल्यू है 56 प्लस 12 करेंगे तो कितना होने वाला है हमारा 68, राइट. सो अगर अब मैं आंसर जाके देखता हूँ, ये वाला जो आंसर था हमारा, ये सिर्फ ये वाला आंसर इसका कितना था 904.56, राइट. सो ये 904.56. एक काम करो थोड़ा सा यहाँ पे और एक इको प्रिंट कर दीजिए यहीं पे, सो दैट उसे थोड़ा सा सेपरेट कर सके एंड डबल कोट्स के अंदर मैं इसे पास कर देता हूँ एंड सेमीकोलन. ओके एंड अब इसे रिफ्रेश करते हैं. ओके अब ये आंसर आया हुआ है मुझे, जबकि मैंने यहाँ पे पास किया है सिंपल एक स्ट्रिंग है प्लस हमारा एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, दूसरा हमारा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का. ये दोनों हमारा ऐड होना चाहिए था, राइट. ये दोनों ऐड होके फिर मतलब आपके हिसाब से शायद आपको ऐसा लग रहा होएगा तो ऐड होना चाहिए था, बट वो ऐड ना होके हमारा सिर्फ लास्ट वाला वेरिएबल प्रिंट हुआ है, ये दोनों वेरिएबल नहीं प्रिंट हुए. इसका रीजन क्या है, इट कैन बी लिटिल बिट लॉजिकल बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सीक्वेंशियल रनिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी नाम का कॉन्सेप्ट ऑपरेशन होगा कि ऑपरेटर्स के प्रायोरिटीज दिए जाते हैं. अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लिए नहीं हुए हैं, प्लस लिए हुए हैं, डबल कोट्स है, ये सीक्वेंशियल प्रायोरिटी होने वाली है. तो मैं अगर देखा जाए लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ये डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले उसको मिला एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ मैंने कॉन्कैटनेट कर दिया $B को. अब एक स्ट्रिंग एंड $B को कॉन्कैटनेट किया गया है, जोड़ा नहीं गया, प्लस का सिंबल नहीं है, डॉट का सिंबल. कॉन्कैटनेट मतलब अगर मैं प्रिंट कराया जाएगा दोनों साइड बाय साइड प्रिंट हो जाएंगे, ऐड नहीं होंगे. तो B का सिंबल है हमारा 56. तो चलिए सिर्फ इतना प्रिंट करते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एंड लेट्स रिफ्रेश इट.
ओके okay, अभी देखिए क्या आ रहा है, हमारा ब्रेक भी हो रहा है, जेटीपी 56 भी प्रिंट हो रहा है, कोई इश्यू नहीं आ रहा। तो ये है कॉन्कैटनेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज प्लस लगा के डॉलर डी कर रहा हूँ, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग बना उसके साथ में एक नंबर को ऐड करने जा रहा हूँ। मतलब एक स्ट्रिंग के साथ एक नंबर को ऐड करना पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, राइट। तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है, जो हमारा स्ट्रिंग था और जो हमारा नंबर है, उन दोनों में प्रॉब्लम जनरेट हो, स्ट्रिंग एंड नंबर्स ऐड नहीं हो सकते। इसलिए उसने क्या किया, ये जो लास्ट का नंबर है डॉलर डी, उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया डॉलर डी का वैल्यू, एंड इस वैल्यू को हमारा स्किप कर दिया, क्योंकि ऐड होने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐड नहीं हो पाया। ओके, जस्ट बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एरर, मतलब जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या, प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पे देना है आपको सिर्फ ब्रैकेट्स का सिंबल पास करना है, तो जिसकी वजह से सब कुछ सही हो जाएगा, जैसा मुझे चाहिए उस तरह से वैल्यू आ जाएगा। ओके, अलर्ट सिंपल एंटर जेटीपी 68, मुझे ऐड होके आंसर आ गया। अगर मैं इसे डबल कोट्स के अंदर भी पास कर देता हूँ, देखिए मैं डबल कोट्स के अंदर पास कर देता हूँ, है तो स्ट्रिंग ये अब करंटली, लेकिन आंसर देखिए क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। मतलब वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर ले रहा है इस डबल कोट्स के अंदर लिखे गए वैल्यूज को, वो कन्वर्ट कर लेता है इंटीजर में और उसको ऐड कर दे रहा है, ठीक है। अगर यही ब्रैकेट्स निकाल दिया जाएगा तो सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो सब प्रायोरिटी की वजह से, तो क्योंकि जो हमारा ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो सबसे पहले ये काम होता है हमारा, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आता है इसका 68, यहाँ पे 68 आया, फिर 68, फिर वो डॉट के साथ कॉन्कैटनेट हो रहा है। तो अब अगर 68 को डॉट के साथ कॉन्कैटनेट किया जाएगा तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि प्लस का सिंबल नहीं है, डॉट का सिंबल है, तो BRJTP68 आराम से हमारा हो जा रहा है। ओके, आई होप यू गॉट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डबल कोर्स में लिखे गए वैल्यू ऑटोमेटिक इम्प्लिसिट, यहाँ पे बहुत सारी जगह आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन मिलने वाला है, और ये सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली इस तरह से लिखे जा सकते हैं। ओके, लीव इट, नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर रिलेशनल ऑपरेटर। Okay.